सब्सक्राइब कीजिए मिस्टर फोन जी चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल के आइकन को ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियो सबसे पहले। गाइस, सैमसंग ने अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी J7 डुओ और ये एक बजट रेंज का स्मार्टफोन है जिसमें आपको मिलेंगे ड्यूल कैमरे और काफ़ी कमाल का लगता है देखने में भी ये फ़ोन। तो आज हम इसका कंपेरिजन करेंगे शाओमी के रेडमी नोट 5 प्रो के साथ और आपको बताएंगे कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा बेहतर है, शाओमी का रेडमी नोट 5 प्रो या फिर सैमसंग गैलेक्सी J7 डुओ। तो आज इस वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे कि आप समझ पाओ। सो हाय गाइस, दिस मानसु एंड यू आर वॉचिंग मिस्टर फोन जी, लेट्स स्टार्ट। गाइस, इनकी कंपेरिजन सबसे बात कर लेते हैं स्क्रीन साइज की। तो फिर आपको सैमसंग मिलता है 5.5 इंच का HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले और आपको रेडमी नोट 5 प्रो मिलता है 5.99 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले जो कि आता है 18:9 के साथ। तो आपको इसमें बेहतर मिलता है वो है रेडमी नोट 5 प्रो का डिस्प्ले क्योंकि आपको इसमें 18:9 का डिस्प्ले आता है और साथ ही साथ फुल HD प्लस डिस्प्ले आता है जो कि अच्छी बात है। तो गाइस, इसमें बेहतर है वो है शाओमी रेडमी नोट 5 प्रो का डिस्प्ले, तो इसमें आपको रेडमी नोट 5 प्रो आगे मिल जाता है। अब बात करते हैं रियर कैमरे की। तो फिर आपको सैमसंग मिलते हैं ड्यूल कैमरे जो कि है 13 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का जिसका अपर्चर है f1.9 का और आपको रेडमी नोट 5 प्रो में भी मिलते हैं ड्यूल कैमरे जो कि आते हैं 12 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल के और जिनका अपर्चर है f2.2 का और f2.0 का। तो गाइस, इसमें आपको बेहतर कैमरा है वो है सैमसंग का क्योंकि आपको वो लो लाइटिंग में अच्छी पिक्चर्स देगा क्योंकि आपको इसमें अपर्चर कम मिलता है। तो गाइस, कैमरे के मामले में आपको रेडमी नोट 5 प्रो पीछे हो जाता है जबकि सैमसंग का कैमरा ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा बात करते हैं फ्रंट कैमरे की। तो फिर आपको सैमसंग मिलता है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और आपको रेडमी नोट 5 प्रो मिलता है 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। तो यार, फ्रंट कैमरे के मामले में आपको रेडमी नोट 5 प्रो आगे मिल जाता है। अब बात करते हैं स्टोरेज और रैम की। तो फिर आपको सैमसंग मिलती है 4GB की रैम, 32GB स्टोरेज और आपको रेडमी नोट 5 प्रो में दो वेरियंट मिलते हैं, 4GB की रैम 64GB स्टोरेज और 6GB की रैम 128GB की स्टोरेज। तो गाइस, इसमें आपको सैमसंग में स्टोरेज कम मिलती है क्योंकि आपको इसमें 4GB की रैम 32GB स्टोरेज मिलता है जबकि आपको रेडमी मिलती है 4GB की रैम 64GB स्टोरेज। तो यार, स्टोरेज के मामले में आपको सैमसंग पीछे हो जाता है थोड़ा। अब बात करते हैं प्रोसेसर की। तो यार, आपको सैमसंग मिलता है एक्जीनोस का 7870 ऑक्टा कोर प्रोसेसर और आपको रेडमी नोट 5 प्रो मिलता है स्नैपड्रैगन का 636 प्रोसेसर जो कि है ऑक्टा कोर प्रोसेसर। तो यार, आपको प्रोसेसर के मामले में आपको रेडमी नोट 5 प्रो बेहतर मिलता है क्योंकि आपको इसमें स्नैपड्रैगन एक्जीनोस से ज़्यादा बेहतर वर्क करके देगा। तो गाइस, इसमें आपको वो रेडमी नोट 5 प्रो आगे मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं बैटरी की। तो फिर आपको सैमसंग मिलती है 3000 mAh की बैटरी और आपको रेडमी नोट 5 प्रो मिलती है 4000 mAh की बैटरी। तो यार, बैटरी के मामले में भी आपको रेडमी नोट 5 प्रो बेहतर मिलता है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो फिर आपको सैमसंग मिलता है ओरियो 8.0 और आपको रेडमी नोट 5 प्रो मिलता है नोगट 7.1.2। तो गाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में आपको सैमसंग ज़्यादा अच्छा मिलता है क्योंकि उसमें आपको लेटेस्ट वर्जन मिलता है एंड्रॉयड का जो कि है 8.0 ओरियो। तो गाइस, इसमें आपको सैमसंग ज़्यादा बेहतर मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक की। तो गाइस, ये चीज़ें आपको दोनों में मिल जाएंगी, यानी कि फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको दोनों मोबाइलों में अवेलेबल मिल जाएंगे। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं वेट की। तो फिर आपको सैमसंग का वेट मिलता है 174 ग्राम और आपको रेडमी नोट 5 प्रो का वेट मिलता है 181 ग्राम। तो गाइस, इसमें आपको सैमसंग ज़्यादा लाइट वेट मिलता है जिससे कि आप कैरी कर पाएंगे आसानी से और आपको इस रेडमी नोट 5 प्रो का वेट ज़्यादा भारी भी नहीं मिलता है लेकिन आपको सैमसंग का वेट थोड़ा उससे कम मिलता है। तो वेट के मामले में आपको सैमसंग ज़्यादा अच्छा मिलता है। गाइस, ये रहे दोनों मोबाइलों के मेन मेन स्पेक्स जो कि मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अब बात कर लेते हैं प्राइस की जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको सैमसंग का प्राइस मिलता है 16,990 रुपये यानी कि 17,000 रुपये और आपको रेडमी नोट 5 प्रो में दो वेरियंट मिलते हैं जो कि आपको 4GB वाले वेरियंट के लिए देना पड़ेगा 13,999 रुपये और आपको 6GB वाले वेरियंट के लिए देना पड़ेगा 16,999 रुपये। तो गाइस, प्राइस के मामले में आपको रेडमी नोट 5 प्रो बेहतर मिलता है और सैमसंग से काफ़ी अच्छा भी मिलता है, लेकिन अगर आप मेरे ओपिनियन माने तो आप रेडमी नोट 5 प्रो की तरफ जाइए क्योंकि आपको इसमें प्राइस सैमसंग से कम पे करना पड़ेगा 4G वाले वेरिएंट के लिए, क्योंकि आपको रेडमी नोट 5 प्रो में 3000 रुपये सैमसंग से कम देना पड़ेगा और आपको स्पेक्स भी काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। तो गाइस, आप मेरी माने तो आप
सैमसंग को ना देख के आप रेडमी नोट 5 प्रो की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें प्राइस के साथ साथ स्पेक्स भी अच्छे मिल जाएंगे। तो गाइस ये रहे मेरे ओपिनियन, और आप अपने ओपिनियन बताना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स बताइए आपको कौन सा मोबाइल पसंद आया, सैमसंग या फिर रेडमी नोट 5 प्रो। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग डेली वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।